गौतम अडानी ने इतिहास रच दिया है। वो दुनिया के दूसरे बड़े अमीर शख्स बन गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे रईस बन गए हैं। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में एलन मस्क के बाद अब गौतम अडानी का नाम आ गया है। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने दूसरा स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे कर हासिल किया है। वैसे ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भी वो तीसरे स्थान पर ही हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स की अगर बात करें तो आज अडानी की दौलत में कुल 5.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो चुकी है, यानी कि अब गौतम अडानी 155.7 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अरबपति नंबर 2 पर हो गए हैं। नंबर 1 पर एलन मस्क हैं, जिनके पास 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं अडानी के बाद बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे नंबर पर आते हैं, इनके पास 155.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं अगर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो इस लिस्ट में वो 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर हैं। अडानी के पास इतनी दौलत कहां से आई इसकी अगर बात करें तो आपको बता दें कि अडानी की दौलत का बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास सार्वजनिक हिस्सेदारी से मिलता है, जिससे इसकी स्थापना उन्होंने की। आपको बता दें कि मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाइनलिंग के मुताबिक अडानी इंटरप्राइसेस, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में उनके पास 75% हिस्सेदारी है। यहां तक कि अडानी टोटल गैस का लगभग 37%, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का लगभग 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% के वो मालिक हैं। सारी कंपनियां सार्वजनिक रूप से व्यापार करती हैं और ज्यादातर कंपनियां अहमदाबाद में हैं। गौतम अडानी दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी का नाम आ गया है। भारतीय अरबपति, उद्योगपति और परोपकारी गौतम शांतिलाल अडानी अडानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं। गौतम अडानी 1988 में कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के तहत कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में स्थापित की थी। आपको बता दें कि अडानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसका मुख्यालय भारत में अहमदाबाद गुजरात में है। अडानी की पत्नी प्रीति अडानी है, जो कि अडानी फाउंडेशन का नेतृत्व करती हैं। अडानी फाउंडेशन सामाजिक सेवाओं के लिए काम करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार अडानी के पास भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक है, थर्मल कोयला उत्पादक और कोयला ब्योरी भी है। गौतम अडानी का जन्म गुजरात में हुआ था। बचपन में ही वो मुंबई चले गए और अपने गृह राज्य लौटने से पहले उन्होंने हीरा का कारोबार किया। गौतम अडानी 1981 में अपने प्लास्टिक कारखाने में भाई की मदद करने के लिए अहमदाबाद लौट आए, जिसके बाद 1988 में अपनी प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। 1994 में मुद्रा में अपनी कंपनी के कारकों को संभालने के लिए एक बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी पर मुहर लगा। आपको बता दें कि 1997 में अडानी का अपहरण कर लिया गया था। अडानी का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, उन्हें बंधक बनाकर रख लिया गया था। 2007 में मुंद्रा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने भारत में कारोबार शुरू किया। यहां तक कि 2008 में मुंबई के ताज होटल में हुए हमले में गौतम अडानी बाल बाल बच गए थे। 2009 में अडानी पावर ने भारत में कारोबार करना शुरू किया। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।